एमएनएस न्यूज हिंदी लाइव में मैं किरण आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। गडकरी का सुझाव महापौरों के लिए था या प्रधानमंत्री हेतु। कम वर्षा के चलते बारिश की फसलें क्षतिग्रस्त। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने अपने गृह जिले में लगे वापस। अब खबरें विस्तार से। आज शनिवार को नागपुर के वीआईपी मार्ग पर स्थित वनामती परिसर में एक दिवसीय राज्य महापौर परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें डेढ़ डजन से कम महापौर ने हाजिरी लगाई। अनुपस्थित रहने वालों में शिवसेना के 4 महापौरों का समावेश था। मुंबई जैसे महानगर पालिका 1888 के ब्रिटिश कालीन कानून के तहत आज भी संचालन हो रहा है। भंडारा जिले के कुछ हिस्सों में कम वर्षा के चलते बारिश की फसलों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसके संबंध में सरकार ने पौनी, लाखनी और मोहादी के 3 तहसीलों में धान की फसल के सर्वेक्षण का आदेश दिया है। आदेश के बाद पहली बार पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने फसलों की जांच की। उन्होंने किसानों के लिए फसल पैदावार के सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए कृषि विभाग को निर्देश दिया। कहा कि सभी किसानों को लाभ मिलना चाहिए। शहीद बाबूराव शेरमा के स्मारक नहीं बनाने जाने से नाराज आदिवासियों ने किया धर्म प्रदर्शन। एमएनएस न्यूज में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए एमएनएस इंडिया प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे एमएनएस न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।